नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ में। किसान साथियों, देखो आप ये जो गन्ना देख पा रहे होंगे, इतना ज़बरदस्त गन्ना शायद ही इन दिनों में देखने को मिलता है। ये देखो भाइयों, लगभग 5 से 6 जुने इस खेत में आ रहे हैं और गन्ने की बढ़वार जो है बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही ज़बरदस्त बढ़वार इस गन्ने की यहाँ पे हो रही है। और खेत में भी किसी प्रकार का कोई घास का तुणका खरपतवार नहीं देखने को मिलने का। ये जो वैरायटी दिखाई दे रही है इस खेत में किसान भाइयों, किसान के हक की वैरायटी है। अगर ऐसा गन्ना किसान के खेत में हो जाए तो वास्तव में किसान की जो गरीबी है वो कहीं ना कहीं जरूर दूर होगी। ये देखिए, अब हमारे साथ में कुछ किसान भाई भी जुड़े हुए हैं, अब हम उनसे भी विचार विमर्श करेंगे इस वैरायटी को लेके। की वैरायटी है ये, कहाँ तक लाके लगाइए? ये उत्तम सुगर मेल खाई खेड़ी ने दी हुई है, अच्छा जी। और इसी बार ये असोज का गन्ना बुआया था। इसका नाम तो उन्होंने खोला नहीं, लेकिन एक दो भाइयों के देखा है और लगा हुआ गन्ना, तो आपको इसीलिए दिखाने लिया आ रहा। वाकई वास्तव में गन्ना ठाड़ा बहुत है भाई, बहुत ही जबरदस्त गन्ना है। ऐसा गन्ने ही देखते फिर रहे हमने तो, इतनी ठाड़ा गन्ना भाई कहीं देखा नहीं। देखो जी, आज की तारीख में अभी तो गन्ने की बढ़वार के लगभग 3 महीने शेष हैं। अच्छा जी, ये बताओ, अगर इसमें एक बात और बताओ जी, सभी बताओ आप, अगर ऐसी वैरायटी किसान के खेत में लग जा तो क्या वास्तव में किसान का भला होगा या नहीं? जी किसान की तो बल्ले बल्ले हो जाएगी अगर ये वैरायटी किसान के हाथ लग जा, किसान इसे बोवे सभी मिली से भिजवा में, तो भाई ये तो मजा नहीं आ जा। किसान की तो बल्ले बल्ले है, कहीं ना तो कहाँ जा रहा बल्ला, गन्ने की हाइट तो देखो, कहीं ना कहीं किसानों की गरीबी तो दूर हो ही जाएगी। देखो गन्ने की हाइट 20 बीघे ना बोगा 10 बीघे बोलो, क्या बात। अभी तो कहना अगस्त का ही महीना है, अभी तो कई महीने बाकी खड़े हैं। अच्छा जी, जैसा आप इसे खेत को देख भी रहे लगातार, तो इसमें बीमारी वगैरह कितनी दिखाई दी आपको? नहीं, इसमें बीमारी तो है ही नहीं है, कुछ भी बीमारी और सब बीजों में दिखाई दे रही इस खेत में भाइयों। पेड़ में भी बीमारी नहीं है, बीमारी भी कोई नहीं है। यो देखो बेला बढ़ रहा जिसे कहते हैं, बहुत ही जबरदस्त। अच्छा एक बात और देखिए, और एक चीज और दिखाते हैं हम आपको। हाँ जी, एक चीज और है, ये देखो आ गया भाई हर मेड़े में, मतलब इस मेड़े में कोई भी गन्ना कमजोर नहीं मिलने का तुम्हें। कमजोर नहीं है कोई भी गन्ना, ये देखो, ये कहते ना गन्ना निकले लठ बराबर, ये देखो गन्ने की मोटाई, गन्ने नहीं बाकी में लठी है जी। तो देखियो कोई गन्ना हल्का दिखाई दे रहा है पूरे के पूरे मेड़े में, और पूरे खेत का यही हाल है जी, बहुत जबरदस्त गन्ना, पूरा खेत भरा पड़ा जी। कुल मिलाकर दिल खुश हो गया। अरे किसान को घास की भी दिक्कत नहीं, घोड़ा छकाई का भरपूर, घोड़ा बहुत है, घोड़ा बहुत है, किसान को घास की भी दिक्कत नहीं है इसमें, और गन्ने की भी दिक्कत नहीं भाई। जैसे 38 में घास नहीं है, गन्ना ही गन्ना है इसमें, दोनों चीज है, दोनों चीज है। और चारे की समस्या की वजह से किसानों ने डंगर पशु कर रखने कम कर दिए, तो इसमें पशु भी आराम से रखो, पशु भी आराम से, घोड़ा बहुत। तो देखो भाइयों, एक बार हम आपको जो है इसमें गन्नों की गिनती जरूर करवा के दिखाएंगे। इसमें जो है सिंगल बड़ द्वारा बुआई की गई है, इसमें एक बार गिनती करके दिखा दो जी, कितने गन्ने बन रहे हैं यहाँ से। देखो भाई 10 गन्ने, 2 4 एक आंख से कितने गन्ने, और गन्ने जो है सारे के सारे कीमती, 4 3 5 6 7 8 9 10 11 11 गन्ने हैं, 11 गन्ने। और एक गन्ना कम से कम 3 किलो से कम तो है नहीं जी? नहीं, बराबर है सारा गन्ना, एक गन्ने का अगर वेट लगा के चले टोटल बराबर है, सबकी मोटाई सेम है एकदम, इतना ही मोटा गन्ना सारा। तो एक मेढे से ही लगभग 30-35 किलो गन्ना तैयार हो रहा है। बहुत ही जबरदस्त बढ़वार गन्ने की हो रही भाइयों, और हरा चोवा खड़ा है, और बिल्कुल हरा भरा गन्ना खड़ा है। तो वाकई में मन खुश हो गया इस गन्ने को देख के यहाँ पे खेत में, तबीयत खुश कर दी गन्ने ने, ये भी कमजोर है। तो किसान भाइयों, आप कमेंट करके ये जरूर बताएं, ये वैरायटी आपको कौन सी नजर आ रही है, इस वैरायटी के बारे में जरूर बताएं। देखो जोन सा भी मेड़ा देखेंगे, जोन सा भी मेड़ा देखेंगे, बस लाजवाब ही खड़ा। ये देख लो, जूने से नीचे नीचे आ गए जी आप, तो जूना देखो ऊपर भी जूना, ऊपर ये छठा जूना लग रहा शायद, और छठे जूना के लगने के बाद भी देखो नहीं, रस्सी से बांध रखा, फिर रस्सी बांध रखी भाई साहब, बिल्कुल आसमान की बुलंदी छूने को तैयार हो रहा गन्ना, जबरदस्त गन्ना। और अभी 3 महीने और बाकी हैं बढ़वार के, मगर छठा जूना है। तो साथियों, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपके कुछ सुझाव हो, कुछ कमेंट हो, कुछ बात हो, कमेंट करके जरूर बता सकते हैं।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।